नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव फाइनेंस में। आज हम बात करेंगे RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल बैंक है। इसके फंक्शंस और पावर क्या क्या हैं और भी बहुत कुछ, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, RBI बैंक का नाम आपने सुना ही होगा। RBI जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। RBI भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है, जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। RBI का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है। यह चिन्ह औपनिवेशिक अतीत की निशानी है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जो कि RBI एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि से शुरू किया गया था। RBI का पुराना नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। RBI की स्थापना ब्रिटिश राज्य में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। उस समय बैंक का जो ओनरशिप था वह नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के हाथों में थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे बैंक पर भारत सरकार को फुल ओनरशिप मिल गया। हेडक्वार्टर्स: शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, जिसे 1937 में परमानेंटली मुंबई मूव कर दिया गया। इसे सेंट्रल ऑफिस भी कहते हैं। सेंट्रल ऑफिस वह कार्यालय है जहाँ RBI के गवर्नर बैठते हैं और जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती है। RBI के 4 जोनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में हैं। इसके अलावा इसके 19 रीजनल ऑफिसेज और 10 सब ऑफिसेज भी हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी में अवस्थित है। स्ट्रक्चर ऑफ RBI: रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित होता है। भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इस बोर्ड को अपॉइंट करती है। इसे 4 वर्ष के लिए अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड किया जाता है। इसका गठन 2 तरह से होता है। फर्स्ट, ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिसमें फुल टाइम के लिए एक गवर्नर और 4 या 4 से कम डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। सेकंड, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा 10 डायरेक्टर्स वेरियस फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स और होते हैं, जो 4 अलग अलग लोकल बोर्ड से होते हैं। अभी वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्हें 11 दिसंबर 2018 को अपॉइंट किया गया था। उर्जित पटेल के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इस पद को ग्रहण किया। अगर RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं गवर्नर, उसके नीचे डिप्यूटी गवर्नर, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर डिप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स और सबसे लास्ट में सपोर्ट स्टाफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI: RBI का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है कि कोई भी कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से जुड़े फाइनेंशियल सेक्टर की देखभाल करना और उसकी पहल भी करता है। कुछ प्रमुख इनिशिएटिव्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, जिन बैंकों का पुनर्गठन हुआ है उसको इंस्पेक्शन करना। सेकंड, बैंकिंग सिस्टम में जो संवैधानिक लेखा की भूमिका है उसे मजबूत करना। फंक्शंस ऑफ RBI: फर्स्ट, इश्यूज ऑफ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास देश में नोटों को छापने का मोनोपोली है। उसके पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। 1 रुपए के नोट को केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है। करेंसी नोट्स को जारी करने या छपाई के लिए RBI मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस सिस्टम के तहत 1957 से RBI गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और बाकी
फॉरेन करेंसी के रूप में होनी चाहिए। इस 200 करोड़ रुपए की धनराशि को रखने के बाद आरबीआई जरूरत के हिसाब से कितनी भी करेंसी को छाप सकती है, हालांकि उसे भारत सरकार से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। सेकेंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भारत सरकार और राज्यों के बैंकर, एजेंट और एडवाइजर के रूप में काम करना। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग फंक्शंस को करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स पर गवर्नमेंट को यूजफुल एडवाइस भी देता है। यह गवर्नमेंट के पब्लिक डेब्ट को भी मैनेज करता है। थर्ड, बैंकर्स बैंक। आरबीआई अनकमर्शियल बैंक्स के लिए उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। फोर्थ, कंट्रोलर टू द क्रेडिट। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट होता है उसे कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। इकोनॉमिक में जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी है उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो मेथड्स का यूज करता है, एक मात्रात्मक तकनीक और दूसरा है गुणात्मक तकनीक, जिनसे देश में क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। जब आरबीआई देखता है कि इकोनॉमिक में सफिशियंट मनी सप्लाई है और इससे देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा हो सकता है, तो वह अपने कड़े मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बाजार में मनी सप्लाई में कमी करता है, और जब इकोनॉमिक में मनी सप्लाई में कमी हो जाती है तो वह बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। फिफ्थ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के पर्पज से आरबीआई फॉरेन करेंसी को बाई और सेल करता है और देश के फॉरेन एक्सचेंज फंड की सुरक्षा भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है तो आरबीआई इस बाजार में फॉरेन करेंसी को बेचता है जिससे कि इसकी सप्लाई को बढ़ाई जा सके, और जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इकोनॉमिक में बढ़ जाती है तो आरबीआई फॉरेन करेंसी मार्केट से फॉरेन करेंसी को खरीदता है। वर्तमान में भारत सरकार का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 482 अमेरिकी डॉलर है। सिक्स, अदर फंक्शंस। आरबीआई कुछ अन्य फंक्शंस भी करता है, जैसे आरबीआई बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस देता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी मैनेज करता है, आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। 6 जुलाई 2005 को फाइनेंशियल मार्केट पर निगरानी करने के लिए आरबीआई ने एक नए डिपार्टमेंट का गठन किया जिसका नाम फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट है। दोस्तों, आगे हम आपको आरबीआई की कुछ रोचक जानकारियां बता रहे हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट सीडी देशमुख थे। आरबीआई के फर्स्ट लेडी गवर्नर अरुंधति भट्टाचार्य थी। आरबीआई के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के इतिहास में दो गवर्नर ऐसे भी रह चुके हैं जिन्होंने कभी नोटों पर सिग्नेचर नहीं किया, एक केजी अंबेगा उंकर और सर ओसमत स्मिथ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो अन्य देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है, 1947 तक म्यांमार और 1948 तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक भी रह चुका है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है। आरबीआई केवल करेंसी नोट ही बनाता है और सिक्कों को भारत सरकार बनाती है। आरबीआई के द्वारा 1938 में 5,000 और 10,000 के नोट भी छापे गए थे। इसके बाद 1954 और 1978 में भी इन नोटों को दोबारा छापा गया। आरबीआई के रूल में यह शामिल है कि अगर 1 रुपये से 20 रुपये का नोट 50% से कम फटा है तो बैंक के द्वारा आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 50% से ज़्यादा फटा होने पर बैंक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पावर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। यह बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत ऐसा कर पाता है। इसमें शामिल है, फर्स्ट, बैंक और उसकी बुक्स और अकाउंट्स का निरीक्षण करना। सेकंड, बैंक के
किसी भी डायरेक्टर या अदर ऑफिसर की शपथ की जांच करना। थर्ड, आरबीआई बैंकों के कामकाज की जांच पड़ताल करने का भी काम करता है। फोर्थ, बैंकों के प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर रखने के लिए दिशा निर्देश देना। फिफ्थ, अकाउंट डिटेल की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बैंक को कॉल करना। सिक्स, बैंकों द्वारा जो एडवांस आरबीआई के पास जमा होता है उससे संबंधित पॉलिसी निर्धारित करना। सेवेंथ, आरबीआई किसी भी बैंक का अलग से स्पेशल ऑडिट कर सकता है। एट, किसी भी बैंक के डिफॉल्ट होने पर उसे इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस शुरू करने का निर्देश देना। यह प्रोविजन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करंसी कोड 2016 में मेंशन है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।